शिमिलीपाल पादेशे रही माँ अंबिका पीठ देवकुंड बन पहाड़ घेरा जंगल सांग को कूकू हो बही जा झरणा बेस विमोहित कर पर्यटक को पहाड़िया जगह सांग को बही जा झरणा पा गाधोबार मजा बेस निरा लगी पुणी बणभोजी सांग को नाच गीतर आसर जमी थाए तेबे अर्थनैतिक दृष्टि सबुठ पछरे पड़ता एक कप्तीपदा उपखंड पर्यटन विकास हेल्ले स्थानीय लोकों जीवन जीविका सांग को अर्थनैतिक क्षेत्र में सुधार आसीपारता राज्य बाहर आसी पर्यटक कहते एटा मो फर्स्ट टाइम न्यू ईयर बुलाया को आसती जगह बहुत सुंदर अच्छी देवी पीठस्थल अच्छी खाली कंस्ट्रक्शन रोड रे बेटर होता आटान्स बेसी अच्छी आउ सीढ़ी उठवा तल तल को जी जो दीटा एका सांगे अच्छी से कंस्ट्रक्शन इम्प्रूव हो पारिता बहुत सुंदर जगह बहुत मजा नेली न्यू ईयर पर बहुत बढ़िया जगह बुलाई खाली लोक मैंने डिसिप्लिन टी मेंटेन करूँ मास्क पिंधिक सोशल डिस्टेंसिंग बहुत कम हो जाए सब कुछ ठीक ही है लेकिन हाँ वो आते हुए रास्ते में थोड़ा दिक्कत हुआ जैसे हम फैमिली के साथ आए हुए हैं तो बुजुर्ग लोगों के लिए मतलब रास्ता थोड़ा खराब लग रहा था पहली बार आए जी हाँ हम पहली बार आए हम खंडेलवाल है और मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ बिलासपुर से यहाँ मेरा मैका है यहाँ देवकुंड में बहुत साल बाद आ रही हूँ आके बहुत अच्छा लगा व्यू भी बहुत अच्छा है यहाँ माता का शक्ति पीठ है तो दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए बस थोड़ी बहुत है कि थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होना चाहिए यहाँ पर कि सब लोगों के लिए थोड़ा सुविधा रहना चाहिए पानी खाने पीने का बाकी सब ओवरऑल अच्छा लगा यहाँ देवकुंड एक प्राकृतिक सौंदर्य भरा 51तम शक्तिपीठ ये शक्तिपीठ को सारा ओडिशा एवं ओडिशा बाहर मध्य पर्यटक आसी थांती किंतु दुर्भाग्यवशत रास्ता अवस्था जहाँ बर्तमान कौन सी प्रकार लोकों सुविधा ना एवं आसाप बहु असुविधा सम्मुखीन होती गोटे है पानी व्यवस्था आ दर्शक केवल सुगम भाव आसीपारे माँ को पूजा चल एही उपखंड रे अवस्थित देवकुंड समी वृक्ष माछ्य कांदना जलप्रपात लुईपा गुंफा टांगरिया हुड़ी टुंकी जलप्रपात समेत काल ओ सुने ड्याम व्यतीत अनेक छोट बड़ पर्यटन स्थली रही पर्यटन स्थली गुड़िकर विकास हेले पर्यटकों संख्या वृद्धि होइपारंता बोली आशा करा जाउछि उदलारु दीपक मिश्रंक रिपोर्ट रिपोर्टर्स टुडे।